Allah, 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مف ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن إن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور صدق الله दसवें पारे की इब्तदाई आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं और आज दसवें पारे के मजामीन का ख़ुलासा और लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश किया जाएगा नवें पारे के आखिरी हिस्से में सूरत तौबा के मजामी सूरत के मजामीन का आगाज़ हुआ था और सूरत के मजामीन के आगाज़ में हक्ता अला दशाह ने माल गनीमत और माल गनीमत की हैसियत को बयान किया था और ये बात फरमाई थी के कुार से मुकाबले की सूरत में और कुफार से मुकाबला और जंग की हालत में जब कुफ़ार जो हैं वह शकस्त खा जाए मुसलमान फ़तः याब हों तो जो माल गनीमत हासिल होगा जो माल कुफार से हासिल होगा जो वो मैदान जंग में छोड़ कर भाग जाएँगे वो माल माल गनीमत कहलाएगा और वह मुसलमानों के लिए हलाल और जायज़ होगा चुनाच उसकी तकसीम के मराहल चल रहे थे और उस तकसीम के मराहल के अंदर आखिरी आयात मुबारक़ा में यानी नवे पारे की आखिरी आयात मुबारका में हक्तआल शाह ने उसकी तकसीम का बुनियादी असूल तो ये बताया था कि उस माल गनीमत को इब्तदान पाँच हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और उन पाँच हिस्सों में से पाँचवा हिस्सा जो होगा यानि एक हिस्सा बैतलम के अंदर जमा होगा और बक़िया चार हिस्से जो हैं वो ानिबीन में यानि लड़ने वाले मुजाहिदीन में और सिपाहियों के अंदर तकसम होंगे वो जो पाँचवा हिस्सा है जो माल के अंदर जमा होगा फिर वो पाँचवा हिस्सा जो है वो किस तरह तकसीम होगा वो आज की इन तलावत करदा आयात मुबारका में यानी दसवें पारे के बिल्कुल आगाज़ में हक्ता आलाशा नू उसको इर्शाद फरमा रहे हैं और इसको इर्शात फरमाते हुए ये फ़रमा रहे हैं कि वालमुन्ना तुम शैन ख़ुम सहु कि यह बात जान लो ये बात अच्छी तरह तुम अपने जहन में याद रखो और इस बात को जान लो ये एक बड़ा यानी मुतनब करने का तरीक़ा है और इस बात को बतलाने का तरीक़ा है कि ये बात जो अब कही जा रही है ये बड़ी अहम बात है काबिल ज़िक्र बात है काबिल फहम बात है ये यूं ही नहीं है कि ठीक है तुमने चलते चलते रवा रवि में सुन ली नहीं ये बड़ी तवज्जो से सुनने और जम, समझने और जानने की बात है तो वाहमूँ जान लो तुम अन्नाम ग तुम मिनशाफ़ान सहू कि जो गनीमत में जो भी माल और जो भी अशया तुम्हें हासिल हों उनमें से जो पाँचवा हिस्सा है उस पाँचवें हिस्से की तकसीम ये होगी कि लि रसूल अल्लाह के रसूल के लिए होगा वो पाँचवा हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए होगा अल्लाह का रसूल वो चाहे तो अपने पास रख ले अपने अहल आयाल के लिए रख ले और चाहे तो वो लो, लोगों के अंदर सदकत व खैर कर दे रसूल आम तौर पर गनीमत में से ये जो हिस्सा मिलता था वो मुसलमानों के अंदर सदका कर दिया करते थे तो लसूल रसूल सल्ला के लिए है वले दिलकुरबा और इसी तरह आपके रिश्तेदारों के लिए आपके अहल बतहार के लिए आपके घर वालों और आपके अजवाज मतहारात के लिए है ये दूसरा इसका मशरफ होगा वल और यतीमों के लिए होगा वल मसाकिन और मस्किनों के लिए होगा सबील और मुसाफिरों के लिए कि जो हालत सफ़र के अंदर किसी हादसे के नतीजे में गुरबत अफलास का अचानक शिकार हो जाते हैं पलाश हो जाते हैं किसी भी हादसे की वजह से ऐसे इबनल और ऐसे मुसाफिरों के लिए हकता शाह नहु ने माल गनीमत के इस पाँचवें हिस्से में से हिस्सा रखा है अब यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि गोया रसूल एक मशरफ़ लजलकुरबा रसूल के ल़रबा यानि अयजा और रिश्तेदार अकारब तीन मसाकिन चार और सबील पाँच ये पाँच मसारफ़ बयान किए गए हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि माल गनीमत के इस पाँचवें हिस्से को इन पाँचों मसारफ़ में सर्फ किया जाए ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या बाद में आने वाले अमीर की स्वाबदीत के ऊपर है कि वो इन पाँच इस पाँचवें हिस्से को चाहे तो इन पाँचों में बराबर तकसीम करे चाहे एक को ज़्यादा एक को कम दे दे और चाहे एक ही को सारा हिस्सा दे दे ये अमीर की स्वाबदीत के ऊपर होता है और जहाँ तक ताल्लुक़ है नबी करीम सल्ला व्म के अयज़ा वक़ारब को हिस्सा मिलने का रसूलुल्लाह रसूल्ला वल् बाद मुफस्सिरीन की राय तो यह है कि ये जो आइज़ा और अकारब और अहल बैत का हिस्सा है ये रसूलुल्लाह अल्लाह सल वसम की हयात मुबारक तक महदूद था आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद ये हिस्सा ख़त्म हो गया या ये मसरफ ख़त्म हो गया लेकिन ज़्यादा मुफसरण की राय यह है और मौरख़ी और सीरत नगार इस बात को बयान करते हैं कि नहीं ये मनसूख नहीं हुआ ख़त्म नहीं हुआ रसोल वम की वफ़ात के बाद भी खुलाफा राशिदीन इस मामूल पर अमल करते रहे चुनाच रवायात तारीख़ के अंदर ये बात आती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तन ने एक मरतबा खुनस में से हिस्सा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तनों को पेश किया और कहा कि ये माल गनीमत में से लिजिलक़ुरबा का जो मशरफ़ है उसके हैसियत से मैं आपको दे रहा हूँ हज़रतली रज़ील्ला तुने कहा कि इस वक्त मेरे पास अलहमदिल्ला माल मौजूद है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये इन हज़रा का एक इस्तगना था इन हज़रा का माल व दौलत से एक ला त्लकी जब ज़रूरत का माल मौजूद है तो मुझे और जाए लेने की क्या ज़रूरत है आप ये मुसलमानों के अंदर खर्च कर दें हज़रतली रजी अल्लाह तहु ने यह कह कर वह हिस्सा इसके मान ये हुए कि हज़रतमर फ़ारूक रजी अल्लाह तु के दौर खिलाफत राशिदा में भी ये लिजिलकुरबा यानी रसूल सल्लम के अयजा अख़ारब और आपके अहल बैत के लिए ख़ुम्स में से पाँचवें हिस्से में से हिस्सा होना ये तस्लिम किया जाता था और इस पर अमल किया जाता था ये बात बयान करते हुए हक्शाह गज़वा बद्र के एक वाके के या एक हिस्से की जानब इशारा कर रहे हैं और वह इशारा इस तरह से हुआ कि गजवा बद्र की रात रसूल सल्हल् को ख्वाब में जो कुफ़ार लश्कर दिखाया गया कुफ़ार मक्का का लश्कर दिखाया गया तो कुफ़ार मक्का का वो लश्कर थोड़ा करके दिखाया गया यानी उसकी तादाद उतनी नहीं दिखाई गई जितना दर हकीकत वो लश्कर था वो एक हज़ार का लश्कर था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिखाया गया वो थोड़ा करके दिखाया गया अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि वसल्लम के ख्वाब तो सच्चे ख्वाब होते हैं आप तो अल्लाह के नबी हैं वो हकीकत के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं ये कैसे कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को थोड़ा देखा दर हकीक़त वो ज़्यादा था तो इसकी इसकी तबीर और इसकी तोजह तो या इसका जवाब मुफसरिन ये देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़्वाब में पूरा लश्कर नहीं दिखाया गया बल्कि लश्कर का एक हिस्सा दिखाया गया और ज़हन में ये रहा कि ये पूरा लश्कर है हालांकि वो पूरा लश्कर नहीं था बल्कि आपको मालूम है कि लश्कर जो है आम तौर पर जो अरब माशरा था अरब जो यानी तहजीब थी उनकी जंगी तहजीब थी वॉर स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी में सामने की तरफ जो लश्कर होता था या जो होता था वो तीन हिस्सों के अंदर तकसीम होता था एक कहलाता था, था मुक़दमतलजैश यानी एक आगे एक दस्ता होता था पूरे लश्कर के आगे एक दस्ता होता था और वो दस्ता जो उस वक्त के जो बेहतरीन बहादुर और शुजा लोग और बहुत ज़बरदस्त माहिर कस्म के तीर अंदाज और तलवार चलाने वाले लोग होते हैं वो उस मुकदमतलजैश में होते थे फिर उस मुक़दमाजैश से ज़रा पीछे एक लश्कर दाई जानब और एक लश्कर बाएं जानब होता था जिसको मैमना और मैसरा कहा जाता था तो इस तरह से पूरा लश्कर यूँ नहीं होता था कि एक जम गफ़ीर की शक्ल में जो है वो मौजूद हो बल्कि यूँ तीन हिस्सों के अंदर तकसीम होता था तो हो सकता है रसूल सल्ला वम को इन तीन हिस्सों में से कोई एक हिस्सा दिखाया गया होगा मुकदमतुलजैश दिखाया गया होगा या मैमना यानी दाइन जानब का हिस्सा या मैं शराब दाइन जानब का हिस्सा दिखाया गया होगा और वह सूरत हाल ये हुई और उसको आपने यूँ फ़रमाया कि बहुत कम लोग हैं चुनाचे मुराल बुलंद करने के लिए मुसलमानों का मुराल हाई करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि भाई बहुत बड़ा लश्कर नहीं है कोई नहीं तुम मुक़ाबला करोगे तो तुम साबित क़दम रहोगे और जब साबित कदम रहोगे तो तुम उनके ऊपर गालिब आ जाओगे चुनाचे यही बात इरशाद फरमाई अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल लजीना आमनू लजीनाज़ा लकीतुम तुम फ़िता फ़सबुतु कसीरन कसीरकुन तुफुन एक बुनियादी असूल दे दिया आयत मुबारक नंबर पैंतालीस में सूरतफ़ाल की कि देखो एक बुनियादी असूल हमेशा पेश नज़र रखना दुश्मन का कुफ़ार का लश्कर बड़ा हो या छोटा हो एक बात तो ये रखना कि जब तुम्हारी इस तरह किसी लश्कर से मुकाबले की सूरत हो तो साबित कदम रहना मैदान छोड़ कर भागना नहीं साबित क़दम रहना दुश्मन के मुकाबले के ऊपर पूरी जुरत और बहादुरी से डटे रहना और साबित क़दम रहना यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर साबित क़दम रहना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम से कभी मुंह न मोड़ना दूसरी हिदायत ये इरशाद फरमाई कि वज़गुल्लह कसीरा और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना अल्लाह का जिक्र कसरत से करना अल्लाह को याद करते रहना अल्लाह की तकबीर अल्लाह अकबर कहते रहना अल्लाह के सना बयान करते रहना अल्लाह की अज़मत और किबरियाई को बयान करते रहना दो हिदायतें हो गई तीसरी हिदायत ये दी कि व आती अल्लाह ये यह समझ लीजिए तीसरी और चौथी हिदायत है कि अल्लाह की इतात करना और अल्लाह के रसूल की अतात करना अल्लाह की इतात और अल्लाह के रसूल की इतात से मुनहराफ न करना इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत का हमेशा नुकसान होता है चुनाच गजब में हम इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि चंद साहबा ने वसल्लम की उस हिदायत पर अमल नहीं किया जो आपने उनको दी थी चुनाचे उसका नुकसान हुआ सारे मुसलमानों को हुआ सत्तर मुसलमान शहीद हो गए खुद रसोल्ला भी जख्मों का शिकार हुए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात को हमेशा अपने मद् और पेश नजर रखना और चौथी हिदायत ये दी गई कि वला तनाज़ु आपस में लड़ना मत आपस में एक दूसरे से कोई इख्तिलाफ ना पैदा करना यानी यह ना हो कि आपस की कोई रंजिशें हैं आपस के कोई इख्लाफा हैं कोई ख़ानदानी इख्लाफा हैं कोई ज़मीन जायदाद के मसले हैं तुम उनके ऊपर लड़ना शुरू कर दो और उनके ऊपर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दो इसलिए कि अगर तुमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया आपस में एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा फतः शलू हुकुम तुम्हारी हवा निकल जाएगी जो तुम्हारा एक और दबदबा है दुश्मन के ऊपर वो रोब दबदबा दब ख़त्म हो जाएगा ये बात याद रखिए कि मुसलमानों का मुतहद होना मुसलमानों का मुतफ़ होना ये इतिहाद और इतफाक़ है वो दुश्मन के ऊपर बहुत बड़ा रो पैदा करता है मुसलमानों के अंदर इंतशार होना मुसलमानों के अंदर अख्तिलाफ़ात होना तनाज़े और अख्तिलाफ़ात और झगड़ों का वजूद होना ये मुसलमानों का रोब दबदबा दुश्मन के दिल से ख़त्म कर दिया करता है और दुश्मन फिर आसानी से मुसलमानों के ऊपर हावी हो जाए ये पूरी चौदह सौ साल की गुजशत चौदह सौ साल की तारीख़ है कि दुश्मन जब मुसलमानों पर हमला आवर हुआ है या उस पर गालिब आने की उसने कोशिश की है तो उसने पहले मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की है तो असल बात यह है कि यह जो उम्मत है मुसलिम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है यह ऐसी उम्मत है कि इस उम्मत को बाहर का आदमी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता जब तक अंदर का कोई आदमी उस दुश्मन के साथ ना मिले जब तक अंदर साजिश ना हो और अंदर कोई इस तरह का इंतशार ना हो दुश्मन के एजेंट अंदर की सफ़ों में न घुसे हुए हों उस वक्त तक उम्मत मुसलिम को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए हक्ता होने एक बड़ी वाज हिदायत दे दी है कि दुश्मन से मुकाबला करना है तो साबित क़दम रहना है अल्लाह का ज़िक्र करते रहना है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करते रहना है और आपस में इख्लाफ़ और आपस में झगड़ों और लड़ाई से बचना है चुनाचे ये बात याद रखना कि शैतान व ग़ालिब लकुम अल-यौम मिन इन्नी जारु लकुम गलबलकूमलनासवन्नी जारकम ताकबर का कभी मुजाहरा नहीं करना कभी अपनी तादाद और अपने साजो सामान पर भरोसा ना करना हमेशा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए इसलिए कि ये तो कुफार का तरीक़ा होता है कि कुफार ये समझते हैं कि हम बड़े ताक़तवर हैं हमारे पास बड़े ज़रा वसायल हैं हमारे पास हर तरह का जदीद इसल है हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है हमारे पास पूरी जंगी तरबियत है इस तरह की चीज़ें हैं लिहाजा हमारे ऊपर तो कोई गालिब आ ही नहीं सकता ये ये नज़रिया या ये, ये स्ट्रैटिजी कुार की होती है मोमिन की स्ट्रैटी ये होती है कि वो तैयारी बेशक पूरी करता है लेकिन उसका भरोसा अपनी तैयारी पर नहीं होता उसका भरोसा अफरादी ताकत और कुवत पर नहीं होता उसका भरोसा हसलहा और साजो सामान पर नहीं होता उसका भरोसा अल्लाह पर होता है उसका तवक्कुल अल्लाह पर होता है चुनाच वो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो यकीनन उसकी ताकत उसकी जुरत उसकी बहादुरी उसकी शुजात और उसका रोब दबदबा जो दुश्मन के ऊपर है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा इन्हीं हिदायत के साथ हक़ हूँ सूर्य फ़ाल के मज़ामीन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बात ये बात इर्शाद फरमा रहे हैं कि देखो मुनाफिकीन से होशियार रहना ये मुनाफिकीन का ग्रोह जो है ये दरअसल पैदा हुआ मदीना मनवरा आने के बाद मक् मुक्रमा में जब नबी करीमल वम थे तो वहाँ मुसलमान अकलीत में थे वहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी और हुकूमत नहीं थी लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब हिजरत फरमाई और नबी रियासत मदीना का आगाज़ हुआ तो जाहिर है कि मुसलमान वहाँ गालिब हैं मुसलमान वहाँ हाकिम और फरमा रवा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को और इस्लाम को रोज़ बरोज़ तरक्की भी मिल रही है अल्लाह की तरफ़ से फतहत भी आ रही हैं माल गनीमत भी आ रहा है उनके माशी हालात भी बेहतर से बेहतर हो रहे हैं चुनाच ऐसी सूरत हाल में हमेशा मुनाफिकत जन्म लेती है कभी मुनाफिक ऐसी जगह पर ऐसे इलाक़े में या ऐसे ज़माने में जन्म नहीं लेता जहाँ मुसलमान अकलीत में हो हमेशा मुनाफिकत तो वहीं फरोग पाती है जहाँ मुसलमान गालिब हो और जितना इस्लाम और मुसलमान गालिब होता जाता है मुनाफिक की सरगर्मियाँ बढ़ती चली जाती हैं लिहाजा ये एक बड़ी इस्ट्रेटी और बड़ी हिमतली समझाई गई है कि देखो ये कुफ़ार और मशरकिन तो ठीक है खुले दुश्मन हैं बाहर हैं लेकिन मुनाफिकीन तुम्हारी सफ़ों के अंदर घुसे हुए हैं इस तरह के जो दुश्मन के एजेंट होते हैं जो सफ़ों के अंदर घुसे हुए होते हैं उनसे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है और उनसे होशियार रह कर सारी हमत को तैयार करना है दूसरी जानब एक तैयारी है और वो तैयारी क्या है कि अल्लाह पर भरोसे का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी जो मादी तैयारी है वो मादी तैयारी ना करो बल्कि उस मादी तैयारी का हुक्म दिया जा रहा है आयत मुबारक नंबर साठ में फरमाते हैं कि, कि देखो पूरी तैयारी रखना वह मस्त ताम्हारे अंदर ताक़त है उस पूरी ताकत और इस्तात के मुताबिक दुश्मन के मुकाबले में तैयारी रखना चाहे वो क़वत के अतबार से हो चाहे वो अफरादी ताकत के एतबार से हो चाहे वो वह खैल असल और साजो सामान के अतबार से हो यहाँ खैल अगरचे घोड़ों की सफ़ें और घोड़ों की लाइनों की बात है लेकिन ज़ाहिर है कि घोड़ों की लाइनों और सफ़ों से मुराद ये है कि जो भी जिस ज़माने की जंगी तैयारी हो सकती है क्योंकि मस्तातुम का लफ्ज़ आया लिहाजा मस्तता तुम हमेशा बदलता रहेगा आज इस्तात अगर घोड़ों के रखने से पूरी होती है तो घोड़े रखे जाएंगे। और अगर इस्तात घोड़ों के बजाय तोपों और जहाज़ों से पूरी होती है तो फिर जहाज़ और घोड़े रखे जहाज़ और तोपे रखी जाएंगी टैंक्स रखे जाएंगे घोड़े नहीं रखे जाएंगे तो इसलिए असल बात यही है कि जो भी वक्त का तकाजा हो और उस वक्त के तकाज़े के मुताबिक जो असलह और साजो सामान दुश्मन से मुकाबले के लिए ज़रूरी हो वो तुम्हारे पास होना चाहिए तुरहिबू तुरबु नबी यादोल्लाकुम और ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को बारो मरूब कर सको अल्लाह का दुश्मन तुम्हारे से रोब दबदबा महसूस करे खौफ महसूस करे चाहे वह एटमी ताक़त होने की सूरत में हो चाहे वो आ, आपके जो जदीद तरीन जहाज़ हैं और जदीद तरीन तैयारे हैं उनकी सूरत में हो हर सूरत में हो या कम्युनिकेशन के बहुत, बहुत बेहतरीन निज़ाम से हो ये आज कल की जो असिलाहत या आजकल की ईजाद हैं इन ईजादात से फ़ायदा उठाना ये अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक है कि तुरबु नबी आदोकम हर ऐसा इकदाम कि जिस इकदाम के नतीजे में तुम अल्लाह के दुश्मन को अपने से मरूब और खौफ ज़दा रखो एक तरफ तो ये तैयारी होनी चाहिए लेकिन इस तैयारी का ये मतलब नहीं है आगे दो हिदायत दी जा रही हैं और बड़ी ख़ूबसूरत हिदायत हैं और उन हिदायत को देखें तो इंसानी ज़िंदगी का एक अदल और एक तवाजुन ज़िंदगी का जो है वो सामने आता है और वो अदल और तवाजुन क्या है वो अदल और तवाजुन ये है कि देखो हर वक्त लड़ने मरने की बातें न करना हर वक्त जंग व जदाल की बातें न करना बल्कि अगर तुम ये महसूस करते हो कि व इन जनासलमी फ़जना व तो अगर तुम ये देखते हो कि कुफ़ार जो हैं वह सलामती की तरफ आ रहे हैं उनका मैलान सलामती की जानब है दोस्ती की जानब है अमन के क़्याम की जानब है और वह कोई माहे अमन और जंग बंदी का कोई पैक्ट करना चाहते हैं तो फिर करो उनसे ये माहदा व तोल अल्लाह और अल्लाह पर भरोसा रखो यानी यूँ नहीं है कि अगर तुम उनसे कोई जंग बंदी का माहा करोगे कोई अमन का माह करोगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें बुजदिल होने का इल्ज़ाम देगा या तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करना बंद कर देगा ऐसा नहीं है अल्लाह पर भरोसा रखो अल्लाह की रहमतें फिर भी नाजिल होती रहेंगी वहीं यीद वहीं अखदारू काफ़ी हसबकल्ला और ये बात याद रखना कि अगर इस तरह के माहदे की वजह से या नतीजे में वो लोग तुम्हें कोई धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह अल्लाह काफ़ी है तुम्हें अल्लाह ताला देख रहा है अल्लाह ताला उनके धोखे को चलने नहीं देगा लिहाजा तुम्हारा असल काम क्या है यानी गोया जो बात समझाई जा रही है कि देखिए लड़ना या मुहद अमन करना इन दोनों में से कोई भी चीज़ मकसूद नहीं है मकसूद क्या है मकसूद है अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी अल्लाह के दीन की इशात अगर तुम ये महसूस करते हो कि अब इस वक्त अल्लाह के दीन की इशात दोस्ती करने में है मुहद अमन और औरदे सुलह करने में है तोाहदा सुलह करो और अगर तुम्हें यह महसूस होता है कि आज के हालात में लड़ने में अल्लाह के दीन की जो है तरक्की है उसकी इशात है तो लड़ो ये मकसद नहीं है कि हर वक्त की लड़ाई को तुम अपना शार और अपना तरीक़ा बना लो और ये भी मकसद नहीं है कि हर वक्त तो मुआहदे अमन और दोस्ती के मुआहदे का ही राग लापते रहो और हर वक्त दुश्मन को अपने ऊपर मुसलत रखो बहुत मतदिल और मुतवा़न तरीक़े से चलने की कोशिश करो चुनाच रसोल्ला व्लम के हयात मुबारक का को अगर हम देखें आपने मुआहदे भी किए अमन और सुलहनामे के मुहदे भी हुए और आपने जंगे भी किए गात भी हुए सराया भी हुए आपने मुहिमें भी रवाना की और ख़ुद भी जंगों में हिस्सा लिया चुनाच ये बात बयान करते हुए हक्ता जल्लाशान हूँ इस बात को बयान कर रहा है और सूरत के मजामी के आख़िर में एक बात नतीजे के तौर पर इरसाद फरमा रहा है कि देखो एक बात याद रखना कि वल्लीना आमू वहाजू वजाह والذين آو ونصروا أولئك هم المؤمنون हक् لهم مغفرة ورزق كريم. कि जो जिन लोगों ने अल्लाह के ऊपर ईमान कबूल किया वाजरु और अल्लाह के लिए हिजरत की अपना घर बार अपना वतन छोड़ा व जादूफ़ी सबी और अल्लाह की राह में जिहाद किया अल्लाह की राह में जिहाद किया कोशिश की वल्लिन आव्वन सरू और कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने उन मुजाहिदीन की मदद की एक वो हैं जिन्होंने हिजरत की अपना घर बार छोड़ा और एक वो अनसार हैं कि जिन्होंने उन महाजरीन को कबूल किया दिलो जान से कबूल किया उन्हें अपने घर में जगह दी अपने शहर में जगह दी अपने कारोबार में उन्हें शरीक किया ये सारी दिल की बातें थीं एक मवाखात कायम हुई एक भाईचारा क़ायम हुआ महाज्रन औरसार के दरमियान और एक ऐसी मवाखात क़ायम हुई ऐसा भाईचारा क़ायम हुआ कि शायद इस तरह की मवात का तारीख़ इंसानी में कोई दूसरा दू, दूसरी नज़ीर और दूसरी मिसाल नहीं पेश की जा सकती तो जिन लोगों ने जिहाद किया हिजरत की कि, वो लोग भी अल्लाह के हाँ बहुत बड़े लोग हैं अल्लाह की नज़र में उनका बड़ा एजाज़ इकराम है और जिन्होंने इन मुजाहिदीन की मदद की उनका भी अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा मक़ाम और बहुत बड़ा रतबा है तो इस बात को बयान करते हुए हक्ताजल शाह नूरतनफ़ाल के मजामी को मुकम्मल फ़रमाें सूरत तोबा का आगाज़ होता है और अगर आप सूरत तोबा के मजामी को देखें तो यूँ लगता है कि जैसे जो मजामी अल्लाह ताली सूरत में बयान फरमा रहे हैं उन्हीं मजामीन की असल तकमील सूरत तौबा के अंदर हो रही है वही हिदायत हैं वही तालीमात हैं जो अल्लाह ताली सूरत में इरशाद फरमा रहा है उन्हीं तालीमत को मुकम्मल किया जा रहा है सूरत तौबा के अंदर यही वजह है कि आप कुरान करीम में इस बात को देखते होंगे कि सूरत तौबा के शुरू में बसमिल्लर नहीं लिखी जाती और तिलावत का ये फरीज़ा या तिलावत के या आदाब में से बात है कि अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर दसवें पारे की तिलावत कर रहा है वो शुरू से उसने दसवें पारे की तिलावत का आगाज़ किया है सूर्य अनफाल की कुछ आयात उसने तिलावत की हैं और उसके बाद सूर तौबा का आगाज़ होता है तो वो बीच में बसमिल्लर नहीं पढ़ेगा हाँ अलबत्त अगर वह सूर तौबा ही से अपनी तिलावत का आगाज़ कर रहा है या सूर तौबा की किसी आयत से अपनी तिलावत का आगाज़ कर रहा है फिर और बात है फिर वो बेशक बिसमीम पढ़ सकता है लेकिन अगर एक शख्स शुरू से पढ़ता हुआ चला आ रहा है नवा सपारा पढ़ रहा है फिर दसवाँ सपारा उसने शुरू कर दिया है और दसवें पारे के शुरू में उसने सूरत तौबा का आगाज़ किया है तो उस वक्त वह बिसमलर नहीं पढ़ेगा सूरत तोबा मदनी सूरह मुबारक का मदनी सूरह मुबारक है और इसके मजामीन से ये अंदाज़ा होता है कि ये फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई है चूँकि इसके अहकाम और इसकी जो बातें हैं उनसे महसूस होता है कि ये शुरह मुबारक फ़तः मक्का के बाद जब तायफ और हुनैन की फ़तह हुई है उस ज़माने के अंदर हक तलाशानू ने नाजिल फ़रमाई है एक सौ उनतीस आयात हैं इसमें सोलह रुकू हैं और तरतीब तिलावत के अतबार से ये नवी सूरत है नौ नंबर सूरत है और इब्तदाई तिरानवे आयात यानि एक से लेकर तिरानवे तक जो आयात हैं वो आज के यानी दसवें सिपारे के अंदर हैं और उसके बाद चौ, चौरानवे नंबर आयत से ग्यारहवें पारे का आगाज़ होता है इस शुरह मुबारक में हक्ताशाह नहु ने मुसलमानों को ये बतलाया कि जब अल्लाह की तरफ से फ़त् नुसरत आ रही हो माल गनीमत की कसरत आ रही हो और कुार मक् से माहदा अब कुफ़ार मक् यानी यूँ समझ लीजिए या कुफार जो हैं वो अब आपके सामने दरख्वास्तें लेकर आ रहे हैं कि हमसे माहिदा कर लीजिए हमसे अमन अमान का माहिदा कर लीजिए तो इस सिलसिले में माहिदे के बुनियादी उसूल क्या हैं जो माहिदे पहले से हुए में हैं उन माहिदों को बरकरार रखने के उसूल क्या हैं उनको आगे बढ़ाने के उसूल क्या हैं और नए माहिदे करने के हवाले से क्या असूल हैं चुनाच इस ज़मिन में जो सबसे पहली बात बयान की जा रही है वो ये बतलाई जा रही है कि अहल मक्का में से जो लोग अभी तक और शिर्क के ऊपर क़ायम हैं उसकी वजह यह है कि फतह मक्का हो चुकी है सन आठ हिजरी में और फतह मक्का के नतीजे में मक्के के लोगों की और मक्के की आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई थी लेकिन चंद लोग फिर भी जाहिर है कि कुफ़ार मुशरिकीन और अपनी पुरानी रविश के ऊपर क़ायम थे चुनाच अब बैतल्ला और उसके इर्द गिर्द यानी हदूद हरम में इनको फ़ार कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ क्या करना है आया हदूद हरम में अब इनको रहने की इजाज़त है या नहीं है चुनान फरमाया बरा वही फसी अरबातुर मुखजिल काफ़रीन कि देखो सबसे पहले तो एक बुनियादी असूल कुफ़ार से सेदे का ये समझ लो कि जो दोस्ती और अमन के माहे पहले से हुए में हैं और उनकी कोई मुद्दत मुकर नहीं है तो वो चार महीने तक वैलिड रहेंगे चार महीने के बाद वो खुद ब खुद मनसूख हो जाएंगे चार महीने के बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और वह माह अमन ख़त्म हो जाएगा तुम्हें इजाज़त होगी कि तो तुम अगर उनसे जंग करना चाहो तो जंग कर सकते हो और अगर कोई माहिदा ऐसा है तुम्हारे तुम्हारा और कुफ़ार का जिसमें कोई मुद्दत मुकर्रर है तो फिर उस मुद्दत को पूरा करने का इंतज़ार करो जब तक वो मुद्दत पूरी नहीं होगी उस वक्त तक वो माहिदा जो है वो ख़त्म नहीं होगा और अगर कोई माहिदा पहले से ख़त्म हो चुका है तो उसको ख़त्म ही समझा जाएगा जैसे सुल उदैबिया का माह अहल मक् और मुसलमाना मदी के दरमियान हुआ था अहल मक् रसूल सल्लम ने वह सन आठ हिजरी में ख़त्म फरमा दिया वह ख़त्म हो गया लिहाज़ा अब इसके माना ये हैं कि अहल मक् और अहल मदीना के दरमियान इस वक्त सुलह का और अमन का कोई माहदा वैलड नहीं है जो माहा हुआ था सन छः हिजरी में वो ख़त्म हो चुका है इसलिए अब कुफ़ार मक् को इन लोगों को कि जो लोग अब, अब, अब मुशरकिन हैं और हदूदरम में रहते हैं चार महीने की मोहलत है उनके लिए चार महीने की मोहलत है उनके लिए और वो चार महीने की मोहलत यह है कि इन चार महीनों के बाद वो हरम की हदूद से बाहर निकल जाएँ या तो इस्लाम ले आए दीन इस्लाम कबूल कर लें और दीन इस्लाम अगर कबूल नहीं करते तो हदूद हरम से बाहर निकल जाएँ इन नवलमशरकून नजरसफ़लाकरबल अबाद आमी महाा के मशरकिन जो हैं वो नापाक हैं अब वह हदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकते चुनाचे इसका नफाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सूरत हाल ये है कि हदूद हरम का तयन है मक् मुकरमा आने वाली तमाम सड़कें जो हैं उन सड़कों के परदूद हरम के निशानात लगा दिए गए हैं और उन हदूद हरम की अंदर आने की किसी गैर मुस्लिम को इजाज़त नहीं है कोई गैर मुस्लिम कोई गैर मुस्लिम जो है उन हदूद हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता ये हदूद हरम मक् की क़ायम की थी अल्लाह तक और नबी करीम वसल्लम ने इसी नहज पर अपने शहर यानि नबी की हदूत हरम क़ायम की और नबी की भी इसी तरह से हदूद क़ायम करके ये बतला दिया कि ये मदीना का हरम है और इस हरम के अंदर भी कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता और अल्लाह तरह हिफाज़त की है और किस तरह से इस बात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को महफूज़ रखा है अक्ल हैरान हो जाती है मस्जिद नबवी की ये जो नई तामीर हमारे सामने है और आपने देखा होगा अल्लाह ताला हमें बार बार वहाँ की ज़्यादत नसीब फरमाए कि मस्जिद नबवी के दो सहन हैं उन दो सहनों में और बाहर की जानब छतरियाँ लगी हुई हैं और वह छतरियाँ एक मैकान की निज़ाम बऱी उससे चलती हैं निज़ाम से जब वो छतरियाँ नसब की गईं वो किसी गालिबा फ़्रांस में या इटली में बनाई गई थी और वहाँ के सांसदानों ने बनाई थी मुसलमानों के इंजीनियरों का अरब इंजीनियर्स का एक पूरा ग्रोह जो था वो बाकायदा गया और वहाँ से पूरी इसकी ट्रेनिंग लेकर आया कि किस तरह से उन्हें नस्ब किया जाएगा कैसे चलाया जाएगा वो लाकर नस्ब कर दी गई लेकिन जब चलाने की बारी आई उन्हें ऑपरेट करने की बारी आई तो वो उनसे ऑपरेट नहीं हुई बहुत कोशिश की गई रबते किए गए लेकिन नहीं हुई आखिरकार इंजीनियर्स ने यह कहा कि साहब वो गैर मुस्लिम इंजीनियर जिसने ये सारा हमें बताया है समझाया है उसको यहाँ बुलाना पड़ेगा वो यहाँ आएगा हमें समझाएगा तो ये ऑपरेट होंगे चुनाच इसको इस बात को बड़ा सीरियसली लिया गया कि गैर मुस्लिम हदूद हरब में कैसे आए इसके लिए बाकायदा एक इस्तः तैयार किया गया बादशाह से इजाज़त तलब की गई बादशाह ने जो मुफ्तिया कराम थे पूरे मुल्क के उनको जमा किया और उनसे फतवा लिया उनके फतवे की रोशनी में ये कहा गया कि 24 घंटे के लिए उसे आने की इजाज़त है वो आए और 24 घंटे में ये ऑपरेट करके और वापस चला जाए चुनाच वो आया आकर जब वो हदूद हरम में और मदीने की हदूद में दाखिल हुआ तो मुसलमान हो गया अल्लाह ताला ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे हबीब के हरम में कोई गैर मुस्लिम क़दम रखे वो क़दम रखते ही मुसलमान हो गया तो अल्लाह ताला ने हरम को काबे की हरम को और मक्के की हरम को मत किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हरम को मुतन किया और ये बात बतला दी कि अब कुफ़ारो मुशरिकीन को ये इजाज़त नहीं है कि वो मक्का की खान काबा की तामीर, खान काबा का इंतज़ाम इन साम इन चीज़ों के अंदर शरीक हों मा का नमशरिकी अं मसाजिद मसाजिदल शाहिदीन अला अलाफीम बिलकफ़्र जबकि वो अपने मुतल इस बात की गवाही देते हैं कि हम काफ़िर हैं हम मशरक़ हैं हमने ईमान कबूल नहीं किया तो ऐसे खुले काफ़िरों के हवाले से ये बात समझनी और ये बात तय करनी कि ये मक्के के और खाना कहबा के निगरान होंगे जैसे मुख्त्य निगरानियाँ कबाइल क्रैश के अंदर तकसीम थी किसी की पानी पिलाने की निगरानी थी किसी की खाना कहबा के दरवाज़े की निगरानी थी किसी की और निगरानियाँ थी ये सारी के सारे इंतज़ाम क्रैश मक् के अंदर तकसीम थे इन सारी तकसीम से रुजू कर लिया गया और ये बतला दिया गया कि अब किसी काफ़िर और मशरक़ को इन इंतज़ाम में शरीक करने की इजाज़त नहीं है इसलिए कि इन नमा यामसाजिद्ला मन आमना बिल्ला व्यूमिल आखिर अल्लाह की मस्जिदें तो वो तामीर करते हैं अल्लाह की मस्जिदें तो वो आबाद करते हैं अल्लाह की मस्जिदों का इंतज़ाम तो वो लोग करते हैं मन आमना बिल्ला जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं जो नमाजें कायम करते हैं जो ज़कवातें अदा करते हैं जिन लोगों का ना ला पर ईमान से कोई ताल्लुक हो ना रोज़ आखिरत पर उनका यकीन व ईमान हो ना वो एक सलात और नमाज क़ायम करते हों ना ज़कात से उनका कोई ताल्लुक हो ऐसे लोगों का मस्जिद से क्या तल्लु होगा ऐसे लोगों का मस्जिद की तमीर से क्या तल्लु होगा ऐसे लोगों का मस्जिद के इंतज़ाम से क्या ताल्लुक होगा अब मस्जिद की तामीर हो या मस्जिद की आबादी हो या मस्जिद का इंतज़ाम हो सब अहले ईमान के हाथों में होगा और ये बात याद रखिए कि वो अहले ईमान किस तरह के हैं उनके ईमान का मीर क्या होगा उनके ईमान का मैार ये है कि उनकी अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बड़ी खालिस हो यह मैार है यूं ही नहीं कि बस ज़बान से कह दिया ला ये महज ये कि ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत उनके दिल के अंदर बहुत मज़बूत तरीके से होनी चाहिए और उसका मेयार बताया और वह मैार बताते हुए हक्ता शाहान सूरत तौबा की आयत मुबारक नंबर चौबीस में इरसात फरमाते कि कुल इनसे कह दीजिए आप सारे मुसलमानों से इस बात का ऐलान कर दीजिए कि इन काना आबाकुम व अबनाकुम व अखवाकुम व अजवाजुम वशीरतुम व अम वाल तरफ तुम्हारा व तजारतन तकसो न कसादहा व मसाकन कि देखो एक बात याद रखना अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओजदा तुम्हारे बाप दादा व अबनाव तुम्हें तुम्हारी औलादें ववानकुम तुम्हें तुम्हारे भाई भाई बहने व अजवाजकुम तुम्हें तुम्हारे अजवाज यानि शोहरों को बीवियाँ और बीवियों को शोहर व अशीरतक और अगर तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान व अमाल तरफ तुम आ तुम्हें वो माल दौलत जिसको तुम जमा करते रहते हो व तजारत उन तक शो हा वह तजारत जिसकी नुकसान से और कसाद बाजारी से तुम डरते हो खौफदा रहते हो व मसाकना तर्ज व नहा वो तुम्हारे घर तुम्हारा गांव तुम्हारा शहर तुम्हारा वतन जिसको देख कर तुम खुश होते हो अहब्बिनल्ल व रसूल ही अगर ये सारी चीज़ें आबाओ आबाजाद से लेकर मसाकना तो तरज व नहा तक अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा महबूब हैं या अल्लाह के राह में जहाद करने से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं इलैकुम मिन मिनल्ला व रसूली व जिहादिन फ़ी सबी लि हत्ता याती याति अल्लाब अमरी तो फिर इंतज़ार करो फिर इंतज़ार करो हती या तलाब अमरी हत्ता के अल्लाह का हुक्म आ ला यहदिल कौम अल फासिकीन ऐसे फासिक कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता अच्छा अब यहाँ ज़रा गौर फरमाइए कि इंसान को जो चीज़ें महबूब होती हैं वो उसके आबाओ अजदाद होते हैं आबा अजदाद से मिलने वाली रिवायात और अकदार होती हैं रसूम रिवाज होते हैं इंसान को अपनी औलाद अजीज होती है अपने भाई बहन अजीज़ होते हैं अपने अजवाज अजीज होती हैं अपने घर अपने माल अपनी तजारतें अजीज़ होती हैं अपने मशागल अजीज़ होते हैं अगर ये सारी चीज़ें आपको इतनी महबूब हैं इतनी अजीज़ हैं कि इनके तहफ़ के लिए आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मासीत और नाफ़रमानी कर लेते हैं अहब्बुम से ये मुराद नहीं है कि आप ये ऐलान कर देंगे नहीं ये सारी चीज़ें मुझे महबूब नहीं है मुझे अल्लाह और अल्लाह का रसूल महबूब है उसका एक तरीक़ा है इम्तहान का और वह तरीका इम्तहान क्या है कि अगर इन चीज़ों की महब्बत आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मासीत और नाफ़रमानी की तरफ़ ले जा रही है तो इसका मतलब है इन चीज़ों की मोहब्बत ज़्यादा है अल्लाह की महब्बत और अल्लाह के रसूल की महब्बत से और अगर इन चीज़ों की मोहब्बत आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतात में आड़े नहीं आ रही यानी यूँ नहीं है कि माँ बाप से महब्बत करना औलाद से महबत करना बहन भाइयों से मोहब्बत करना बिल्कुल हराम और ना जायज ऐसी बात नहीं है मोहब्बत उनसे भी होगी ताल्लुक़ उनसे भी होगा मोहब्बत अपने वतन से भी होगी मोहब्बत अपने घर से भी होगी बिल्कुल होगी लेकिन उस महब्बत को मना नहीं किया जा रहा उस महबत का एक मैार बताया जा रहा है और वो मयार ये है कि अगर इस महब्बत के नतीजे में तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हो तो इसका मतलब है तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा महबूब नहीं ये चीज़ें ज़्यादा महबूब हैं ये मैार बतला दिया गया और इस मीर को बतला कर ये बात बतला दी गई कि अगर ये मैार नहीं है तुम्हारे सामने तो फिर ठीक है अल्लाह के अमर का इंतज़ार करो अब वो अल्लाह का अमर क्या होगा किस तरह का होगा क्या उसकी कैफियत होगी उसको बयान नहीं किया यानी कितना वो खौफनाक होगा कितना वो ख़तरनाक होगा कितना वो महलिक होगा कितना हमारे लिए मुतनब करने वाला होगा हमें नहीं मालूम बस अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि हत्यायाती अल्लाबरी उस अल्लाह के उस हुक्म का इंतज़ार करो वह कुछ भी हो सकता है इसलिए कब वह कादरुन अलाकुल्लिस वल्ला तर चीज़ पर क़ादिर है क्या फ़ैसला करता है और किस फैसले को हमारे ऊपर नाजिल करता है ना उसको फैसला करने में कोई मसला है न उस फैसले को हमारे ऊपर नाफिज करने में कोई मसला है इसलिए अल्लाह के उस हुक्म का इंतज़ार करो और फिर अल्लाह ताला ने गजब हुनैन का जिक्र फरमाया और ग़ब हुनैन का जिक्र फरमाते हुए फरमाया

इसका सरदार था मालिक इब्न ओफ़ और इसने मुसलमानों के मुकाबले के लिए और मुसलमानों पर हमला करने के लिए एक लश्कर जमा कर रखा था चुनाच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि बजाय इसके कि हम उसका इंतज़ार करें यहाँ मदीने में ही बैठ के कि वो कब हमला आवर हो और हम उसका दिफा करें ऐसा करते हैं हम ही चल कर उसके ऊपर हमला आवर हो जाते हैं और देखते हैं क्या तैयारी है उसकी चुनाच चौदह हज़ार सहाबक राम पर मुश्तमिल लश्कर लेकर आप मदीना मुनव्वरा से हुनैन की जानब रवाना हुए ये हुनैन मक् मुकर्रमा से कुछ सत्रह सोलह सत्रह किलोमीटर के फासले पर है तायफ़ की जानब आप वहाँ हुनैन की जानब रवाना हुए तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा लश्कर था कहाँ मुसलमानों का लश्कर सैकड़ों में होता था तीन सौ तेरह का होता था हज़ार का होता था दो हज़ार तीन हज़ार का होता था या ज़्यादा से ज़्यादा दस हज़ार का हुआ फतह मक्का के मौके पर और कहाँ ये सूरत हाल थी कि चौदह हज़ार का एक लश्कर था मुसलमानों को बड़ी ख़ुशी और बड़ी फरहत तो व शादमानी हुई वो अल्लाह के इस नाम पर बड़े खुश हुए क्या आज मुसलमानों की अफ़रादी क़वत कितनी ज़बरदस्त है और उन्होंने आपस में ये कुछ मुजाकर और तो ये कुछ कहना शुरू किया कि भाई हम तो जब तीन सौ तेरह थे तो हमें दुश्मन ज़ेर नहीं कर सका आज हम इतनी बड़ी तादाद में हैं तो हमें दुश्मन कैसे जेर करेगा चुनाच ये ये ख्याल जब आया ये बात याद रखिएगा कि जिनके मर्तबे ज़्यादा होते हैं उनको मुश्किल भी ज़्यादा होती है एक साफ और सफ़ेद कपड़ा जो होता है उस पर मामूली सा भी कोई धब्बा पड़ेगा तो वह मामूली सा धब्बा भी बड़ा नुमाया होगा एक पहले से ही मैला कपड़ा है उस कपड़े के ऊपर पच्चीस हज़ार दाग पहले ही लगे हुए हैं एक और लग जाएगा दो और लग जाएंगे या दस और लग जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा सहाबा कर राम रजवानल मजमैन एक सफ़ेद और साफ शफाफ कपड़े की मानंद है हल्का सा भी दाग अगर लग गया तो बहुत नुमाया हुआ और अल्लाह तलाँकि ये भी शुक्र का एक इजहार था अल्लाह के शुक्र का एक इजहार था लेकिन क्योंकि इनके रुतबे बड़े बुलंद थे सहाबा थे लिहाजा अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई और अल्लाह ताला ने कह दिया कि देखो फलम तुगने अनकुम शयन वो अददी कसरत तुम्हें कोई काम नहीं आई अल्लाह की मदद आई तो तुम्हें फ़ायदा हुआ और चुनाच यही हुआ कि ये लोग जब हुनैन में दाखिल हुए तो हुनैन के लोगों ने उनको घेर लिया और घेर कर उन पर शदीद कस्म का हमला आवर हुआ मुसलमान अभी तैयार नहीं थे और मुसलमान शदीद नुकसान का शिकार हुए फिर रसूल वसल्लम ने मुसलमानों को आवाज़ दी दोबारा जमा हुए और दोबारा जमा होकर फिर हुनैन वालों पर जब हमला किया तो उस हमले से ये हुनैन वाले जो थे वो शकस्त खा गए तो अल्लाह ताली की फिर दक़द नसर अल्ला ने मदद की है और अल्लाह की इस मदद के नतीजे में तुम्हें हुनैन की ताला ने आता फ़रमाई है चुनाचे इन मजामीन को बयान करते हुए हक तला जल्शान जहाँ नबी करीम अजमत को बयान कर रहे हैं वहाँ फिर वही बात है चूँकि जैसे जिहाद में एक एतदाल और तवाजुन को बरकरार रखने एक फ़िक्री अदल को कायम रखने की कोशिश की गई थी इसी तरह रसूल सल्लम की अक़ीदत और महब्बत में भी फ़िक्री तोन और उसके अंदर कायम रखने की नसीहत की जा रही है और इस जबन में यहूद नसारा यानी यहूदियों और ईसाइयों के गलत अकीदे की निशानदही की जा रही है फरमाया वकालत यहूदबिन वकालतिन मसीबन ला कि देखो यहूदियों ने हज़रतर तू से बेजा महब्बत की और उनके अजमत को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की तो कहा कि यह अब्ला के बेटे हैं ईसाइयों ने हज़रत मसीम से दावा किया मोहब्बत का और उस महब्त के दावे में ये ये दावा कर दिया ये अक़ीदा इख्तियार कर लिया कि हज़रत मसीम अल्लाह के बेटे हैं दोनों ने कुफ्र का तरीक़ा इख्तियार किया लिहाजा ये बात याद रखना कि अल्लाह ताला का जो वजूद है अल्लाह ताला की जो वानियत है उस वदानियत को हमेशा बरकरार रखना उसमें कभी कोई दराड़ और ख़ल ना आए और अल्लाह की वहदानीत के साथ साथ इस बात को भी याद रखना कि कोई माली बदवानी तुम्हारे अंदर ना हो इसलिए कि कसिरबारून व बातिल बहुत सारे रोहबान बड़े नेक लोग थे बड़े मतकी और परहेजगार थे मज़हबी पेशवा और रहनुमा थे लोगों के माल बातिल तरीके से और गलत तरीक़े से खा लेते थे तो ये नहीं है कि वो चूँकि मज़बी पेशवा और रहनुमा थे लिहाजा वो जिस तरह जी चाहे माल खा लें लोगों का उनको इजाज़त है ऐसा नहीं है इससे हमेशा परहेज़ करना और ये बात याद रखना कि अल्लाह महीने बनाए हैं उन महीनों का अहतराम करना बतौर ख़ास उन चार मह मोहतरम महीनों का एहतराम करना और उनके अहतराम को हमेशा मलहूज रखना और ये बात भी फरमाई गई कि गजवा तबू का जिक्र शुरू हुआ ग़व तबू की जो तफसीलात हैं ज़्यादातर वो तो आएँगी ग्यारहवें पारे में इनशाला हम ग्यारहवें पारे में इनशाला उनकी तफ़ीत आपके सामने अर्ज़ करेंगे आगाज़ हो रहा है गज़ब तबूक का इसी दसवें पारे के अंदर और इस आगाज़ के साथ ही अल्लाह इशारा फरमा रहे ारार सौर के वाकई की जानब कि देखो अल्लाह तो वक्त भी मदद की ग़ब तबूक तो बहुत बड़ा ग़बा था उस वक्त बहुत सारे रफ़ार रसूल सल वसलम के साथ थे अल्लाह ने तो उस वक्त ारार सौर में रसूल्ला व्ल्म की मदद की जहाँ सिर्फ़ दो अफराद थे और वह दो अफराद कौन थे रसूल्ला वसम और हज़रत अबू बकर तनसरू फ़क़त नसर जखरजी कफ़रुसानस नई नज़ुमा फ़िल्ारी इस आयत मुबारक़ा से हज़रत अबू बकरवियत भी साबित हो रही है और ये भी साबित हो रहा है कि शानियस नैन दो में का दूसरा पहला कौन है रसूल सल्म और दूसरे कौन हैं अबू बकरीक़ यानी सफ़े इंसानियत के अंदर उम्मत के अंदर रसूल सल वसम के बाद जिस शख्सियत का और हस्ती का मकाम है वो हज़रत अबू बकरीक़ रजी अल्लाह है। चुनाचे हज़रत अबू बकरी रजी अल्लाह त और गार शौर के इस वाक़े को बयान करते हुए हक्ताजल शाह नहु ने मुनाफ़िन की उन सरगर्मियों को जिक्र किया कि जो मुनाफिकीन की सरगर्मियाँ इस ज़ब तबूक के मौके पर थीं, गजब तबूक के मौके पर लोग ख़र्च करने वाले भी थे और उस खर्च से रोकने वाले और रुकने वाले भी थे चुनाच चुनानकताजल्शाह इसी ज़मिन में आयत मुबारक नंबर साठ में ज़क़त के मसारफ़ बयान किए फ़रा मसाकिन आमलिन ज़क़़़़़़त तालीफ़लूब और लोगों की गर्दने छुड़ाने और लोगों को कर्ज़ों से छुड़ाने ये आठ मसारफ़ ज़क़ात के बयान किए गए और इन मजामी को बयान करते हुए हक्ता शाह नू ने मुनाफिकी से होशियार रहने और मुनाफीन के हवाले से बहुत होशियार और बहुत अलर्ट रहने की नसीहतें की हैं और इन्हीं मजामी पर दसवें पारे के मजामी का अख्ताम होता है गजवा तबूक और ग़वः तबूक में जो लोगों का रवैया था वो किस किस तरह का था उसकी तफसत इनशा लजीज़ आपके सामने ग्यारहवें पारे के मज़ामी के ज़मीन में आएंगी हकता शानू हमें नबी करीमल वसलम की अज़मत का हक़ अदा करने की हिम्मत और तोफ़ी नसीब फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदीमी you oh.